V3 are back in action. गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम खान व्लॉग्स। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है कैंप से, और कैंप में मैं हूँ कलीम भाई की दुकान पे, जो कि दुकान तो बंद है, हम लोग अंदर बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और हमारे साथ है यासर भाई एम्पायर, हम मोहब्बत से इनको एम्पायर बोलते, एम्पायर बेकरी वाले। और भाई आज देखो, जैसे कि थोड़ा सा मामला इधर पूना में थोड़ा सा अप डाउन चल रही है, तो में क्या सब तरफ सब जगह ही चल रहा है, तो वो हिसाब से कॉर्पोरेट क्लेमन वो हिसाब से थोड़ा सा आज रेस्ट लेने का सोचा। रेस्ट मैं ले रहा हूँ, और थोड़ा कैसा भी 21 और रोज़ा भी है, तो थोड़ा सा इबादत में वगैरह भी ज़रा ज़्यादा ध्यान देंगे, और थोड़ा सा व्लॉगिंग कम होगी। तो आज से आपको वीडियोस तो रोज़ मिलेंगे, मगर वो वीडियोस में होगा कुछ अलग। और वो अलग क्या होगा, अलग के बकरों का शौक है, गाड़ियों का शौक है, घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग करने का शौक है, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का शौक है, घर वालों के साथ रहना, घर वाले के साथ सब तो रहते ही है, मगर घर वालों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही फन होता है। हाँ, मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं जब प्रोफेशनल हूँ तो वहाँ पे एक अलग पर्सनैलिटी हूँ, और घर पे एक अलग पर्सनैलिटी, जो कि सही बात है कि अपने बाहर का काम का टेंशन घर पे नहीं लेने का, और घर का टेंशन काम पे नहीं निकालने। एकदम सही, देखो ये मेरे लिए तो है ही है, ये सबके लिए कुछ अलहमदुल्ला सीखने को ही मिलता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको हम एक बकरा दिखाएंगे, हमारा 2017 का टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान लॉन्च हुआ था वो दिखाएंगे, कोहिनूर दिखाएंगे, और आपको सिर्फ बकरा नहीं दिखाएंगे, वो बकरे की पूरी हिस्ट्री बताएंगे हम, कि वो बकरा कहाँ से था, कहाँ से हमने लिया, कहाँ पे तैयार हुआ, किसने उसको ख़रीदा, रेट नहीं बताएंगे, बिका कितने में और हमने ख़रीदा कितने में वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती, और वो जानवर कुर्बान हो गया रहता तो अच्छा नहीं लगता वो सब चीज़ों का। तो और कैसे मालूम क्या, रेट बताने में मामला ये भी है ना कि लोग फिरने का जजमेंटल हो जाते हैं, अरे ये झूठ बोल रहा है, हाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। तो देखो हाँ, यही है ना कि भाई वो तो अल्लाह का मामला है, जिसने बेचा, जिसने खरीदा और जिसके नाम पे कुर्बान हुआ, ये इनका मामला रहता है भाई, तो ये सारी चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो आपको आज दिखेगा टीपू सुल्तान, तो अच्छा भी नहीं लगेगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके डालो, मेरी एक सलाह है तुमको। नहीं, सलाह तो मैं हमेशा लेता हूँ, तुमको मालूम है बकरे के इंडस्ट्री से जो रिलेटेड लोग हैं उनको भी थोड़ा मज़ा आएगा पुरानी वीडियोस देख के, और जो लोग ने मतलब जो शौकीन है, जो लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, बहुत से लोग देखो देखने के शौकीन भी रहते हैं, तो उनको एक अच्छी चीज़ दिखाएंगे, बस ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बकरे कुछ रिवील करना है या कुछ करना है, बस जो शौकीन है बस उनके लिए और कुछ नहीं। हाँ, और मेनली क्या होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी है ना, जो मतलब समझो बड़े बड़े बकरे जो पालते हैं, बेचते हैं, फार्म वाले हैं, उनको मालूम होता है कि ये बकरा फला बिल फला का था, ये फला बिल फला ने लिया, हाँ ये मालूम रहता है। मगर जो ऑडियंस रहती है ना, जो आजकल यूट्यूब पे ज़्यादा है, वो लोग जो बैठ के देखते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि ये बकरा किसका था, फिर ये किसने बनाया। मैं तो ये बोलूँगा कि उल्टा उस चीज़ को छुपाओ, अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, तो उनको बोलो कमेंट करने के लिए, और अपन उसका जवाब दे देंगे। हाँ देखो, फिर देखो अभी मैं एक वीडियो डालूंगा आज वाला, जो टीपू सुल्तान का रहेगा, और उसके अंदर फिर कमेंट करो कि अगला जो मैं बकरा डालूंगा उसके हर चीज़ तुमको मालूम करने की, जो वो कहाँ से तैयार हुआ, कहाँ से बिका, किसने खरीदा, फिर किसने बेचा, किसने लिया, ये सारी चीज़ मिलेंगी, और ये एक एक्साइटमेंट बढ़ाएगी। तो आप लोग बने रहिए ये वीडियो के साथ, आप लोग बकरे की वीडियो एंजॉय कीजिए, हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं और तैयारी करते हैं आपके लिए कोई अच्छा सा कंटेंट ढूंढने की, क्या बोलते भाई? वो कंटेंट वाला मामला तुम्हारा है। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ताला, वालेकुम अस्सलाम। ये जो फ़ोटो देख रहे हो आप, ये जब मैंने देवनार से लेके आके 2 महीना हो गया था, ये फ़ोटोज तब के है जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम हेयर कट किया था, जो हमारे अनीस भाई है उनसे। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये 4 महीने बाद का है, जब इसका हेयर कट वगैरह सब हो गया था, जब ये पूरा मतलब अपने रुबाब में आने लगा था,
तो इसको मैं रोज़ 2-3 घंटा रोज़ बाहर छोड़ के या थोड़ी मस्ती करता था। जैसे आप देख सकते हो ये वीडियो में मेरा खुद का वेट 135 था और मैं काफ़ी मोटा था उस वक्त, और अभी भी हूँ मगर इतना नहीं हूँ अभी, अपने आप को मैं शेप में रख रहा हूँ। मतलब ये जब एकदम सेट होने आ गया था बकरा, ये तब का वीडियो है, और ये ऐसे ही मस्ती किया करता था, बहुत मज़ा आता था। और इसके बाद जो आप फ़ोटो देखोगे, इसके ऊपर एक बच्चा बैठा है, वो बच्चा इसकी पत्ते की भराई करता था। मैं उसको बताता था कि ये पत्ता भरना है और वो बच्चा उसके पत्ते भर दिया करता था। फिर एक्सरसाइज करेगा मोसिनो, दो आधा घंटा छोड़ दे उसको, उसके पीछे लगे आधा घंटा बस होगा तेरे को। वेट कम कर देगा तेरा, 10 मिनट लेके बाहर निकल सकते उसको रोज। इस बच्चे को मैंने इस बकरे पे पत्ता भरना सिखाया था और अच्छा भरता था वो भी। आप देखोगे इस बकरे का वीडियो जो हमने लॉन्च किया था 10 या 15 दिन पहले बकरी ईद से। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा बकरा टीपू सुल्तान भी पसंद आया होगा। टिल देन स्टे सेफ, हास्ता ला विस्ता।